नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 25 जुलाई 2023, दिन है सोमवार। हिंदी तिथि आज हो गई है सावन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो टोल पर अब जाम से मिलेगी मुक्ति, सरकार लागू करने जा रही है GNSS टेक्नोलॉजी, गेट फ्री होंगे प्लाजा। सफर के दौरान हाईवे पर टोल प्लाजा हमेशा यहाँ पर गाड़ियों की, यहाँ पर टोल प्लाजा के कारण जो है लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। इसी जाम की वजह से यात्रियों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। हालांकि अब फास्टैग आने जाने से टोल पर लगने वाला जो औसत वक्त है उसमें कमी आई है, लेकिन आने वाले समय में टोल पर रुकने की झंझट ठीक खत्म हो जाएगी। दरअसल भारत सरकार जल्द ही टोल प्लाजा पर एक खास टेक्नोलॉजी लागू करने जा रही है। ये जो नई टेक्नोलॉजी आएगी इसके कारण ये भीड़ जो है कम होगी। दरअसल इससे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम के हालात नहीं बनेंगे। दरअसल राज्यसभा में जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि देश के टोल प्लाजा पर लगने वाले औसत वक्त में भी कमी आई है। यहाँ पर जो वेटिंग टाइम जो है 734 सेकंड पहले था, अब ये मात्र 47 सेकंड रह गया। उन्होंने आगे ये बताया कि नेशनल हाईवे पर फास्टैग लगने के बाद टोल कनेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि GNSS की मदद से यहाँ पर टोल गेट बनेंगे और टोल फ्री प्लाजा यहाँ पर बनेंगे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर के जो BJP सांसद हैं शंकर लाल लेवान, उन्होंने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री से पूछा था कि सरकार टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम पर क्या कर रही है। तो इस बारे में उन्होंने यहाँ पर कहा है कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS पर आधारित गेट मुक्त प्लाजा यहाँ पर अब देश में बनाए जाएंगे। इससे लोगों को टोल प्लाजा पर कुछ वक्त के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा। इस पर योजना पर काम करने के लिए यहाँ पर सरकार ने कंसल्टेंट जो है वो नियुक्त यहाँ पर कर दिया है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में पेपर लीक करने वालों को अब उम्र के तक की सजा, गहलोत सरकार ने मौजूदा कानून को और किया है सख्त। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इस संबंध में राजस्थान विधानसभा में यहाँ पर राजस्थान परीक्षा जो विधेयक 2023 है उसे ध्वनि मत से पास कर दिया। वही पिछले साल मार्च में इस पेपर लीक और भर्ती में धोखाधड़ी करने वालों को अगले 10 साल की सजा तक का प्रावधान था। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक सितंबर 2021 में आयोजित यहाँ पर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो RET है उसके लेवल 2 के पेपर लीक के कारण रद्द होने के बाद 1 महीने बाद लाया गया। वही उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जो है राजेंद्र यादव, उन्होंने विधेयक पर बहस का जवाब देते कहा कि मौजूदा अधिनियम में प्रावधान है कि दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है, इसे बढ़ाकर 10 साल तक किया जा सकता था। वही जुर्माना 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए का इसमें जुर्माना करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि हालांकि घटनाओं में स्पष्ट हुआ कि अनुचित साधनों के इस्तेमाल से संबंधित अपराध संगठित माफिया द्वारा किए जाते हैं और उनके लिए अधिक कड़ी सजा इस समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब कारावास की न्यूनतम अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल, अधिकतम अवधि को यहाँ पर 10 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दिया है। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तब बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाई बेची तो खैर नहीं, सभी मेडिकल स्टोर्स को लिखित आदेश हुआ है जारी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार दवा विक्रेताओं के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई। दरअसल दिल्ली में बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी जो है पेन किलर्स तक नहीं बेच पाएगा। यदि कोई भी यहाँ पर नियमों का अगर उल्लंघन करता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। दरअसल दिल्ली सरकार ने वेक्टरन पोर्न की बढ़ती बीमारियों को यहाँ पर चलते ही सख्त फैसला लिया गया, क्योंकि डॉक्टर के बिना कंसल्टेशन के कोई भी लोग गूगल पर देखकर दवाई ले लेते हैं जो जानलेवा हो सकती है। दिल्ली स्थित सभी मेडिकल स्टोर्स के लिए आदेश जारी किया है। दरअसल पेन किलर्स के बढ़ते नुकसान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सख्ती में है और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल के केमिस्टिक पेन कलर्स दवाओं के रिकॉर्ड रखने की सलाह दी है। साथ ही तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो इपुप्रोपेन और एल्प्रोजिन्स और जो डाइक्लोपोलोनिक जैसी दवाएं हैं उसको यहाँ पर बिक्री हटाने का निर्देश दिया है। जब बताया गया कि सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही यहाँ पर कोई भी दवाई जो है मेडिकल पर बिकेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। आम जनता को लगा झटका, अगस्त में और ज्यादा बढ़ेगी महंगाई, रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। देश भर में इस समय जो है महंगाई तेजी से बढ़ रही है, टमाटर से लेकर दालों तक की कीमतों में इजाफा हो गया। इस बीच महंगाई को लेकर एक और अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल जापानी ब्रोकरेज फर्म नुमेरा ने यहाँ पर कहा है कि जुलाई अगस्त महीने में सब्जियों की कीमतों में जो सब्जियों की कीमतें उसके आसमान छूने से खुदरा मुद्रास्फीति एक बार फिर 6% से ऊपर जाने की आशंका भारत में है। अगर ऐसा होता है तो RBI की मुद्रास्फीति के संतोषजनक स्तर को यहाँ पर पार कर लेगी, उससे अधिक होगा। वही सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति 2% से घटाकर 4% तक सीमित रखने का दायित्व भी सौंपा है। वही नुमेरा ने यहाँ पर जो नुमेरा है उन्होंने यहाँ पर
अपने टिप्पणी में कहा है कि सब्जियों के दाम चढ़ने से जम्मू सरकार खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुधारने के लिए कई कदम उठा सकती है। वही एक दिन पहले ही सरकार ने यहाँ पर गैर बासमती उत्पादों पर जो चावल जो है उनके निर्यात पर रोक लगाई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो ओपन AI ऐप चैट GPT को लेकर बड़ी खबर देखिए। एंड्रॉइड डिवाइस के लिए अगले हफ्ते लॉन्च होगा चैट GPT ऐप। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हुआ है चैटबॉट। ओपन AI अगले हफ्ते अपने चैटबॉट या चैट GPT को एंड्रॉइड डिवाइस के लिए लॉन्च करेगा। वही कंपनी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर पर अभी जो प्री रजिस्टर जो है वो उसके लिए अपने ये ऐप जो है अभी चालू हो गया है। प्री रजिस्ट्रेशन करने और ऑटोमेटिक इंस्टॉल ऑप्शन अवेलेबल रखने पर ऐप लॉन्च होने के बाद अपने आप जो है डिवाइस में ये डाउनलोड हो जाएगा। दरअसल कंपनी ने अभी तक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए ऐप को लॉन्चिंग की कोई तारीख डेट नहीं बताई है। 2 महीने पहले मई में iOS डिवाइस के लिए ChatGPT ऐप लॉन्च हुआ था। वही OpenAI ने यह नहीं बताया कि ऐप को सबसे पहले किन देशों में लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी भारत सहित सभी देशों में एक साथ इस ऐप को लॉन्च कर सकती है। वही ऐप इंस्टॉल करने के बाद ChatGPT यूज करने के लिए यूजर्स को बार बार ब्राउजर खोलना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही ऐप में सर्च की हिस्ट्री सेव होती है जिसकी मदद से यूजर्स अपनी पुरानी सर्च को भी देख सकेंगे। इसके अलावा ऐप में मिलने वाले सभी फीचर्स को यूजर्स जो है एक्सेस कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है PM किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान योजना की 2000 रुपए की किस्त को लेकर बड़ी खबर दी। इस तारीख को किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। दरअसल PM किसान सम्मान निधि योजना के पैसे जो है किसानों के खाते में जल्द ही आने वाले हैं। दरअसल किसान जो इसका इंतजार कर रहे हैं उनका जो इंतजार जो है खत्म होने वाला है। दरअसल 27 तारीख को PM किसान सम्मान निधि योजना की जो 14वीं किस्त है 2000 रुपए की वो किसानों के खाते में आने वाली है। वही PM किसान योजना को लेकर ये बड़ा अपडेट है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इस जो PM किसान सम्मान निधि योजना की 2000 रुपए किस्त है उसे यहाँ पर जारी करेंगे। वही PM किसान सम्मान निधि योजना की 2 किस्त जो मतलब 14वीं किस्त है वो जारी करेंगे। हालांकि सरकार जो है पैसे जो है किसानों के खाते में यहाँ पर ट्रांसफर करेगी, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं करवाया है उन किसानों से निवेदन है, सरकार निवेदन भी किया है कि वो अपना जो KYC जो है वेरिफिकेशन जो है वो एक बार किसान एक बार फिर करवा लें। फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए PM किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल ऐप है उसके जरिए जाकर भी आप ये काम कर सकते हैं।